Hello student, welcome to the third lecture of p-block elements. In this lecture we are going to talk about boron family again. Boron family ka jo hai hum log ne first lecture mein introduction pad liya tha, uske baad mein second lecture mein hum log ne physical and chemical properties pura complete kar diya. I hope aap log ne revise kiya hoga, and abhi aaj ke lecture mein hum log boron ke compounds ke bare mein discussion karenge. Now if I talk about compounds of boron, to hamare syllabus mein teen bahut important compounds hai boron ke. Ek to hai borax, ek hai बोरिक एसिड जिसको ऑर्थोबोरिक एसिड है, और तीसरा है डायबोरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग एनओसीबी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी पढ़ चुके हैं. तो अभी मैं टोटल आपको तीन वीडियो लेक्चर्स इसके अलग से देने वाला हूँ. मतलब ये लेक्चर्स जो होंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड लेक्चर में सिर्फ हम लोग बोरेक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में. फोर्थ लेक्चर में हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में ही पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ डायबोरिन के बारे में पढ़ेंगे. तो इंडिविजुअली जो लेक्चर्स होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक एक चीज हम लोग को अच्छे से कवर करनी है. Now students, in third lecture we are going to talk only about borax, ठीक है? So let us start with the compounds of boron. हमारे syllabus में compounds से first और second elements के ही हम लोग ज़्यादा discuss करेंगे, बाकी सबके नहीं, ठीक है? तो चलो start करते हैं. Entrance point of view, compounds of boron. Compounds of boron में the first one is borax. ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ऑकरेंस में बता दिया था. बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7.10H2O. यहाँ पे आपको दिख रहा है 10H2O, बट रियल में इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते हैं. ठीक है, इसको प्रिज्मेटिक बोरोन भी बोलते हैं. इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते हैं. इसका एक्चुअल फॉर्मूला जो है, ये तो मैंने इसका जनरल फॉर्मूला लिख दिया, एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट्स. एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये है, Na2B4O5OH4.8H2O. तो आउट ऑफ 10 वाटर, एक्चुअल में 8 वाटर जो होते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, बाकी जो 2 वाटर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में नहीं है. तो आप जस्ट गिन लो एक बार, 2 सोडियम है, बोरॉन 4 है, दिख रहा है, ऑक्सीजन अगर हम लोग ध्यान से देखें हाइड्रोजन 20 है, तो यहाँ पे कितने हो गए 4 और ये 16, तो 20 हो गए. अभी अगर हम लोग हाइड्रोजन 20 है सॉरी ऑक्सीजन गिने तो कितना है 17 होना चाहिए, 7 यहाँ से और यहाँ से 10, 17, तो कैसे 4 4 प्लस 5 4 प्लस 5 इज 9 9 प्लस 8 इज 17. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर बोरेक्स. ये बोरेक्स का रियल फॉर्मूला है. एंड अगर आप एक एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करो, तो यहीं पे एक हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, बहुत डिटेल में चीजें पढ़ेंगे. एमसीक्यू क्वेश्चन ये हो गया कि क्या इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, नहीं है. और क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको ये फॉर्मूला नहीं देंगे, आपको बोलेंगे इन बोरेक्स द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर, तो ऑप्शन आएगा 10 8 9 7. तो आप लोग ऑप्शन कौन सा टिक करोगे बेटा? आप 8 टिक करना, 10 मत टिक करना, ठीक है. सो इट हैज एक्चुअल 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 8 वाटर ऑफ क्या क्रिस्टलाइजेशन, 8 ही होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. अगर हम लोग इसके एनायनिक पार्ट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ, ध्यान देना, यहाँ से 2 अगर Na निकाल देते हैं तो इसके ऊपर एनायन, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके ऊपर -2 का चार्ज हो जाएगा. सो इट इज गोइंग टू बी B4O5OH4 times और -2 हो जाएगा, ठीक है ना. ये एनायनिक पार्ट है. इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा. इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, तो बी केयरफुल, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना. इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है देख लीजिए, एक बोरॉन है, ठीक है, दिस इज सेकेंड बोरॉन, थर्ड बोरॉन एंड फोर्थ बोरॉन, ये चार बोरॉन एटम है. यहाँ पे 2 बोरॉन एटम के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, ये एक ऑक्सीजन एटम, हर बोरॉन 2 बोरॉन एटम्स के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये हो गया आपका बोरॉन का, राइट. हर बोरॉन के ऊपर एक एक OH भी होता है. टोटल अगर आप ध्यान से देखो तो याद रखने का तरीका भी है, 4 OH है 4 बोरॉन के ऊपर, एक एक बोरॉन के ऊपर एक एक OH है, करेक्ट. ये हो गया आपका स्ट्रक्चर. अगर आप ऑक्सीजन गिनोगे, बोरॉन तो 4 हो गए, ऑक्सीजन गिनोगे तो OH वाले तो हो गए 5 ऑक्सीजन होने चाहिए थे, तो यहाँ पे मैंने कितने ड्रॉ किए, 4 किए, तो एक ऑक्सीजन क्या है बाकी है ना.
अगर एक ऑक्सीजन बाकी है तो ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों बोरॉन के बीच में मैंने लगा दिया। ठीक है, ये बोरॉन में आप देख सकते हो कितने बॉन्ड बनाए, चार बॉन्ड बनाए, तो चार बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसने भी चार बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा बच्चों। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें, इस बोरॉन ने तो तीन ही बॉन्ड बनाए, सो दिस बोरॉन आइटम इज डैश हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये बोरॉन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये वाला बोरॉन अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका sp3 टेट्राहेड्रल है। ये हम लोग भले एक प्लेन में बना रहे बट ये प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो वी कैन राइट सम इंफॉर्मेशन जो कि बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज अ नॉन प्लेनार और प्लेनार? इट इज नॉन प्लेनार, पहला क्वेश्चन नॉन प्लेनार हो गया। दूसरी बात, आउट ऑफ फोर बोरॉन, टू बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड टू बोरॉन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना, एनी डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ BOB लिंकेजेस, BOB लिंकेज जो है वो कितने हैं, ध्यान से देखते हैं। ये एक BOB लिंकेज है, दो है, तीन है, चार है और ये पांच है। वापस गिनो, BOB मतलब ये BOB लिंकेज कितने हैं वो पूछा जाता है। 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज फिफ्थ वन। सो टोटल पांच BOB लिंकेज है, बराबर है। उसके बाद में नंबर ऑफ BO बॉन्ड्स पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ BO बॉन्ड्स, BO बॉन्ड्स कितने हैं वो भी पूछेंगे। तो BO बॉन्ड्स गिनने हैं बच्चों आपको कैसे, ये देखो ये एक BO बॉन्ड है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठ। तो यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8 तो हो गए, 8 और ये 2, 10 हो गए, 11, 12, 13, 14। तो टोटल कितना हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ BO बॉन्ड्स इज गोइंग टू बी 14 बॉन्ड्स हो जाएंगे बेटा, इज इट क्लियर? तो ये नंबर ऑफ BO बॉन्ड्स हो जाएंगे। अगर आपको पूछ लिया कि नंबर ऑफ PB बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ बोरॉन बोरॉन बॉन्ड्स, तो आप लोग याद रखना ये बहुत बार पूछा जाता है, इसमें एक भी बोरॉन बोरॉन बॉन्ड नहीं है, इट इज जीरो। तो ये याद रखना। अगर हम लोग देखें तो ये एक रिंग बन रहा है, देखो कितना मेंबर रिंग है, गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 मेंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग्स, नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग्स हो जाएगा 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे देखो Na2 है, Na2 कहाँ गया फिर, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे साइड में क्या होगा बच्चों, प्लस के फॉर्म में Na प्लस तो होगा, बट यहाँ पे आप कभी भी गलती से बॉन्ड मत बनाना, बिकॉज सोडियम विल नेवर फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, इट विल बी एन आयोनिक बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड ही होगा, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, बोरेक्स। एक बात याद रखना, अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स की, तो बोरेक्स का जो है वो प्रिपरेशन हम लोग जनरली नहीं करते हैं। सर क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज प्रिपरेशन की बात कब होगी बेटा, जब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो बेटा ओर ही है, ये तो बोरॉन का क्या है बच्चों, ओर ही है, तो ओर का हम लोग कभी भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। फिर भी अगर आपको अगर पढ़ना है तो अगर प्रिपरेशन की बात आए, कैन बी प्रिपेयर्ड, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट से भी बनाया जा सकता है, जिसका फॉर्मूला है CaBO, राइट, जिसका फॉर्मूला है 2611। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, कैब ऑन 2611। कोलेमेनाइट से भी बना सकते हैं और ऑर्थोबोरिक एसिड से भी बनाया जा सकता है बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3। H3BO3 के साथ अगर हम लोग ट्रीटमेंट करवाए, किसके साथ, BH3BO3 का ट्रीटमेंट करवाए Na2CO3 के साथ, तभी भी ये प्रिपेयर किया जा सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन पार्ट बहुत सारे बुक्स में दिया भी है, बट ये मैं आपको बोलूंगा ये एक और है, इसका प्रिपरेशन क्या पढ़ेंगे, ये तो नेचुरली अकरिंग है। फिर भी अगर आपको प्रिपेयर करना है तो इट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम कोलेमोनाइट और ऑर्थ्रोबोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन पार्ट, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्ट्रक्चर है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर के बाद है वो है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, बोरेक्स जो है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट इज प्रिज्मेटिक बोरेक्स जो कि सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, और हम लोग भी एक्चुअली उसी को पढ़ रहे हैं। दूसरा जो होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स, ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स। और तीसरा जो होता है
वो होता है बच्चों बोरैक्स ग्लास। कौन सा? बोरैक्स ग्लास। ठीक है, अभी सब लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रिज्मेटिक बोरैक्स जो होता है, इट इज नथिंग बट Na2B4O7.10H2, इट इज डेकाहाइड्रेट। ये सबसे ज्यादा एग्जिस्टिंग पार्ट हो जाएगा इसका। ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स जो होता है वो होता है Na2B4O7.5H2O, और ये वाला जो बोरैक्स होता है वो होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस बोरैक्स, और इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7। ठीक है ना, तो हम लोग ज्यादा करके किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रिज्मेटिक बोरैक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अभी आप लोग इसका एक बार फोटो ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे और डिस्कशन करूंगा। इसके अंदर मैं आपको प्रिज्मेटिक बोरैक्स की सोल्युबिलिटी है, व्हाट इज द रिएक्शन विद वाटर है, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो गया प्रॉपर्टीज का, कि उसके अंदर तीन टाइप के बोरैक्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं, बोरैक्स जो होता है इज अ व्हाइट सॉलिड। ये एक व्हाइट कलर का सॉलिड होता है एंड इज लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वॉट हॉट वाटर बट इट इज लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। इसका रीजन क्या है वो भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन बच्चों बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग बात करें वाटर के अंदर H2O, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर के एक दूसरे के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। जैसे ये देखो HOH होता है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं, बराबर है। अगर वो एक दूसरे से खुद जुड़े हुए हैं तो वो दूसरे को डिसॉल्व क्यों करेंगे? तो अगर मैं बात करूं कोल्ड वाटर की, वाटर अगर किस फॉर्म में है? कोल्ड वाटर के फॉर्म में है, ठंडा पानी है, तो क्या होगा इसमें? ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होते हैं बेटा, ठीक है, ये बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कंपैरेटिवली स्ट्रांग एंड देयरफॉर अगर वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है तो वो खुद टूटेंगे नहीं, कोल्ड वाटर है तो बेटा एनर्जी भी कम है, तो इस वजह से बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2B4O7.10H2 विल बी लेस। लेकिन अगर मैं बात करूं हॉट वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज लेस, द स्ट्रेंथ ऑफ डैश बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी लेस। खुद का जो वाटर का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इस वजह से वो डिजोल्व जल्दी हो जाता है, दैट इज Na2B4O7, वो जल्दी से क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग जब इसको नोट्स में लिखोगे राइट देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सर? ध्यान देना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स, aqueous solution of borax is alkaline in nature, alkaline in nature, that means it will turn red litmus paper, वो red litmus paper को किसमें convert करेगा? blue litmus में करेगा। तो red litmus paper को blue में convert करता है, this is a very very important statement, alkaline in nature due to formation of weak acid H3BO3 and a strong base NaOH. strong base क्या बनता है? NaOH। तो students इसका मैं mechanism के साथ समझाना, लोग कैसे ये reaction होती है please अच्छे से ध्यान से सुनना। अगर मैं Na2B4O7 का reaction 7 मोल्स ऑफ H2O के साथ करता हूँ, ठीक है ना? आपने सर याद कैसे कर लिया? क्योंकि मुझे इसका मैकेनिज्म याद है। जब आपको मैकेनिज्म याद होता है तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है। यहाँ पे Na कितने हैं? 2 है, सो यू कैन फॉर्म 2NaOH, 2NaOH बन गया। तो कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें
यहाँ पे H3PO3 बनता है, इतना तो पता ही है कि H3PO3 अपना प्रोडक्ट है इसमें, वो कि वीक एसिड है। अभी बोरॉन कितने हैं बच्चों? यह है 4 बोरॉन, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? प्लस 4 बोरॉन। अभी इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है? यही है, वीक बेस है, तो बेटा वीक एसिड है तो वो तो डेफिनेटली इसका तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, जो स्ट्रॉन्ग है वो ही बचेगा। तो डेफिनेटली द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी व्हाट इन नेचर? एक्वस इन नेचर। एक्वस नेचर जो होता है, इट इज डैश नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बोरेक्स है और इसका अगर पानी, इसके अंदर पानी डालोगे तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो जो सोल्यूशन बनता है फाइनली वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर मैकेनिज्म वाइज समझाओ तो कहना है सोडियम तो सिर्फ कौन से कंपाउंड बनाता है? यस इट इज आयोनिक कंपाउंड। तो ये जो मुझे मेरे पास में सॉल्ट बोलू उसको, तो ये सॉल्ट किसका किसका बच्चों? सॉल्ट है किसका? Na प्लस का, जिसमें दो तो Na प्लस हो जाएंगे और B4 क्या हो जाएगा? O7 2 माइनस। ठीक है ना, इसका नाम टेट्राबोरेट आयन है। अभी आप बताओ जब कोई भी सॉल्ट होता है, जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, तो NaCl इज अ सॉल्ट जो किससे किससे बना है? Na प्लस एंड Cl माइनस। कंसेप्ट समझो बच्चों, एक एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। Na कहां से आया होगा? कटायन हमेशा बेस से आता है और अनायन हमेशा एसिड से आता है। तो ये बच्चों जो है Na कहां से आया? NaOH से आया होगा। और Cl कहां से आया होगा? HCl से आया होगा। तो सेम वे ये Na कहां से आया? Na प्लस कहां से आएगा? फ्रॉम वीकेंड से, ऐसा ना बना के एरो उल्टा बनाता हूं, कहना से ये NaOH से आया होगा, करेक्ट। और ये जो है वो कहां से आया होगा? H2B4O7 से, जिसका नाम क्या है? टेट्राबोरिक एसिड। कौन सा? टेट्राबोरिक एसिड बेटा, इसको बोल सकते हैं टेट्राबोरिक एसिड। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊं कि कैसे ये रिएक्शन हुई, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से मैं कंसेप्ट वाइज समझाऊंगा, ध्यान देना, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखना। मैकेनिज्म ये हो गया समझो फर्स्ट। एक्चुअल में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। Na2B4 जो है O7 है, वो सिर्फ दो वाटर के साथ रिएक्ट करता है सबसे पहले, और यहाँ पे जो आपका Na2 था वो बन जाएगा NaOH। क्या बन गया? NaOH। और ये वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा H2B4O7 बेटा, ठीक है, H2B4O7। और H2B4O7 का स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे H O B O B O B O H, ठीक है। आप बताइए कितने बोरोन हो गए? 4 बोरोन हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ही हो गए। कितने ऑक्सीजन बाकी है? 2। और सबको पता है बोरोन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये बोरोन के बॉन्ड्स है। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ H2B4O7, ठीक है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सर आपने तो सिर्फ कितने वाटर यूज किए? 2। टोटल कितने यूज करने वाले हम लोग? 7 है। तो रिमेनिंग जो है वो क्या करेंगे? H2B4O7 के साथ स्टूडेंट रिएक्ट करेंगे। H2B4O7 विल कंज्यूम 5 मोल्स ऑफ H2O। ध्यान से देखना, इट विल कंज्यूम 5 मोल्स ऑफ H2O टू फॉर्म 4 मोल्स ऑफ H3PO3। ना ये कैसे बना, जरा इसको मैकेनिज्म वाइज देखिए। If I consider this one, देखो यहाँ पे BOH तो already है ही है। अगर मैं इस bond को break करूँ, this है ना, who is more electronegative? More electronegative element is oxygen, तो definitely oxygen will acquire hydrogen on this side and OH ये side में आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें students इस boron की, तो ये वाला bond जब bond break होगा तब यहाँ पे क्या आएगा? OH आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप बताइए कितने वाटर यूज हो गए? 2 वाटर यूज हो गए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ये वाले बॉन्ड की, तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तब यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा, क्योंकि ऑलरेडी O तो है, तो ये साइड में क्या ऐड हो जाएगा? OH। तो ध्यान से देखना, अभी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। ये बोरॉन के ऊपर एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, तो BOH ट्राइस हो गया, एंड BOH ट्राइस का ही मतलब H3PO3 होता है। तो ये एक BOH ट्राइस हो गया। सेकेंड थिंग स्टूडेंट ध्यान से सुनना, BOH OH and OH, this is second POH thrice। third की बात करें तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, fourth water molecule use हो गया। उसके बाद में इस bond को भी ब्रेक करो,
यहाँ पे ओ एच आ जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा। स्टूडेंट्स बी वेरी क्लियर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। देखना बी ओ एच थ्राइस वन टाइम, देखना बी ओ एच ओ एच और इधर भी ओ एच, कितनी बार हो गया, वन टाइम हो गया। यहाँ पे बी ओ एच ओ एच ओ एच सेकेंड टाइम हो गया, बी ओ एच ओ एच और ये ओ एच थर्ड टाइम हो गया, और ये वाला फोर्थ टाइम हो गया। देख लो, सो बेसिकली इट विल गिव यू फोर टाइम्स H3BO3। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, हाइड्रोलिसिस। मैंने बहुत डिटेल में, जनरली अगर आप एनसीईआरटी बुक्स में देखोगे तो आपको सिर्फ इतना ही दिखाया होगा, यही रिएक्शन लिखी हुई रहती है, बट मैंने बहुत डिटेल में समझाया ताकि आपको पता चले, आरपी इफेक्ट भी क्या होता है वो भी पता चले, हर एक चीज को डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द रिएक्शन विद वाटर, और वी कैन से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे डिटेल में आया वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ वन, इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट, आई राइट द थ्योरी आफ्टरवर्ड्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इफ यू टेक Na2 बिफोर O7, स्टूडेंट ध्यान देना, Na2 बिफोर O7 जिसको आप बोलते हो प्रिज्मेटिक बोरेक्स, जब आप इसको हीट करते हो, व्हेन इट इज हीटेड, सबसे पहले इट विल लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो इट विल गिव यू -10H2O इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और यहाँ पे आपका Na2 बिफोर O7 बच जाएगा, इसी को आप क्या बोलते हो, बोरेक्स, ठीक है ना। ये एनहाइड्रस है कि हाइड्रस है, दिस इज एनहाइड्रस, और ये हीटिंग की वजह से स्वेल हो जाता है, क्या हो जाता है स्टूडेंट, स्वेल, स्वेल मतलब थोड़ा सा फूक जाता है। सो दिस इज एनहाइड्रस और हाइड्रस, दिस इज एनहाइड्रस। नाउ दिस ऑन फर्दर हीटिंग, Na2 बिफोर O7 ऑन फर्दर हीटिंग टू हाई टेम्परेचर, ऑन फर्दर हीटिंग इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी बीड, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट, जैसे एल्यूमिनियम था, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट एंड दिस इज बोरॉन ऑक्साइड। This compound, this boron oxide, is a transparent. This is a transparent glossy bead. और इसी को हम लोग यूज करेंगे borax bead test में, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी बीड, बेसिकली ये जो फॉर्म हुआ है वो कंपाउंड, ठीक है, और यही हम लोग borax bead test में यूज करेंगे। तो बेसिकली वॉट इज द इफेक्ट ऑफ हीट, ना इफेक्ट ऑफ हीट, borax ऑन हीटिंग फर्स्ट loses water of crystallization and swells, ये थोड़ा सा फूक जाता है, ठीक है। on further heating it gives transparent glossy bead, transparent ग्लॉसी बीड ऑफ B2O3, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हीटिंग इफेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस इन वेरी मच डिटेल, देन यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर सेम है, यही तो है Na2 बिफोर O7 का स्ट्रक्चर हीटिंग के बाद, इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया, खाली आप यहां पे क्या करोगे ध्यान देना, यहां पे जो पार्ट है NaH की जगह पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। तो ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहाँ पे आपके पास में O माइनस है, B है, O है, वापस B एंड सो ऑन, ये प्रोसेस तो रिपीट हो ही रहा है, सबको पता है। यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे Na क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी Na प्लस है, ये दो बोरॉन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन लिंकेज से, राइट। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ऑन हीटिंग ये वाला जो पार्ट है, ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है देखो, इसमें कितने बोरॉन है, दो बोरॉन है, How many oxygen atoms are there? 3. So, ये देखो B2O3 बन गया, ठीक है ना। चीजों को डिटेल में समझो, एनसीईआरटी में तो बेटा जो लिखा है मैं आज भी आपको लिख के दे सकता हूँ, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ध्यान से रखना। और यहाँ पे जो साइड में बना, देखो Na B कितने ऑक्सीजन है इस बोरॉन के ऊपर, देखो Na B ऑक्सीजन कितने है बोरॉन के ऊपर, 2 है, NaBO2 बना, दिस इज योर NaBO2, इसको दूसरे कलर से हम लोग यूज करते चलो, दिस इज NaBO2, NaBO2 बना। ये साइड में भी ध्यान से देखो, यहां पे भी बच्चों NaBO2 बना, देख लो, तो दो NaBO2 बनेंगे, बैलेंस करेंगे अगर, तो और एक क्या बना B2O3 बना। तो स्टूडेंट्स
दिस इज द इफेक्ट ऑफ हीट, और इसी को हम लोग बेटा आगे यूज करेंगे बोरैक्स बीट टेस्ट में। तो इसके आगे जो हम लोग फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले हैं वो है बोरैक्स बीट टेस्ट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट एज इट इज। अगर हम लोग बात करें नीट की और जेई मेन्स की बच्चों, तो हमारे सिलेबस में सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट तो नहीं है, बट बोरिक एसिड में जो ये वाला पार्ट है बोरैक्स बीट टेस्ट, वो हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो आप लोग इसका एक बार फोटो लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। Okay, students. So the next and the final property is borax bead test. Very very important. इसको आप mark करो. Very important property. ठीक है? Generally ये lab में आप लोगों ने भी किया होगा. Borax bead test में आपने देखा होगा platinum wire के ऊपर होता है borax. जब borax का reaction बेटा certain metal ions के साथ किया जाता है, तो वो एक colored metaborate बनाता है. क्या बनाता है? Colored metaborate. तो आप एक statement के form में ऐसा लिख सकते हैं, borax reacts with certain metal ions such as Cu2 plus है, Cobalt 2 plus है, Nickel+2 है, Chromium+3 है, etc. Iron भी ले सकते हैं, ठीक है, to form वेरी इंपॉर्टेंट कलर्ड मेटाबोरेट्स। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलर्ड मेटाबोरेट्स। अगर डेफिनेटली वो अलग अलग कलर दे रहे हैं, सेम कलर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अलग अलग कलर दे रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा हम लोग उनको यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई दी मेटल आयन। सो दीज कलर्ड मेटल आयन और दीज कलर्ड मेटाबोरेट्स कैन बी यूज to identify the metallic ion, कि कौन सा metallic ion है, क्योंकि सबका कलर क्या होगा जनरली अलग अलग होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, सेम जो रिएक्शन हमने लिखी थी borax की याद है, हीटिंग इफेक्ट वाला Na2O4 dot NH2O। सो वेन इट इज हीटेड इट लूजेज वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इट स्वेल्स, ये स्वेल हो जाता है Na2B4O7। ये जो कंपाउंड है Na2B4O7 वो क्या है, अभी एनहाइड्रस है और एनहाइड्रस भी है और ये स्वेल हो गया है बच्चों। इसके बाद जब हम लोग इसको फर्दर हीट करते हैं Na2B4O7, ऑन फर्दर हीटिंग इट गिव्स B2O3, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी बीड बोलते हैं, जिसको बोरैक्स भी बोल सकते हैं, बोरैक्स बीड बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म के साथ सिखाया था NaBO2 बनता है, सोडियम मेटा बोरेट। ये जो है आपका बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी बीड, ये सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स या सर्टेन मेटल आयन, जैसे CuSO4 लेंगे तो उसमें भी CO2 प्लस है, CO2O भी ले सकते हैं, इसके साथ रिएक्ट करके B2O3 के साथ इट फॉर्म्स CuO.B2O3, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CuBO2 twice। इसका नाम क्या है, कॉपर मेटाबोरेट या फिर क्यूप्रिक मेटाबोरेट, ठीक है ना। इसका जो कलर होता है वो होता है बच्चों डार्क ब्लू, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं येलो चौक से लिख रहा हूँ लेकिन इसका कलर याद रखना डार्क ब्लू। तो ये डार्क ब्लू कलर आते ही हम लोग क्या समझ जाएंगे, दैट इट इज कॉपर, कॉपर इन द फॉर्म ऑफ +2, ठीक है। तो सबके आपको कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको ऐसे दो तीन के नाम याद करवा देता हूँ। जैसे कॉपर जो होता है, कॉपर मेटाबोलेट जो कलर होता है वो होता है डार्क ब्लू, ठीक है, उसका कलर होता है डार्क ब्लू। अगर हम लोग कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट मेटाबोलेट, तो उसका कलर होता है बच्चों ब्लू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। निकल की बात करें, निकल मेटाबोलेट की, निकल मेटाबोलेट का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन, क्या होता है ब्राउन। और बच्चा कौन सा, क्रोमियम का भी ले लेते चलो, कभी इन केस पूछा गया तो 99% चांसेस तो है कि पूछेंगे नहीं, बट मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता के रखता हूँ ताकि एक्स्ट्रा जानने से बेटा खतरा नहीं होगा। वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, ये मेरा नारा रहता है हमेशा। क्रोमियम का जो क्लस्टरिंग का कंपाउंड जनरली कौन सा, ग्रीन कलर का रहता है, तो ये याद रखना, ये कभी कभी अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना चाहिए। तो स्टूडेंट दिस इज व्हाट बोरैक्स बीट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। आपने देखा होगा मार्केट में, जब आप कॉलेज में जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो टीचर्स आपको एक दिन पहले बोलते हैं कि बोरैक्स बीट लेके आना, मार्केट में भी मिलता है, ठीक है ना।
तो जब आप बोरेक्स बीड को सबसे पहले प्लैटिनम वायर के ऊपर लगा होता है, उसको हीट करते हो तो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, फिर और उसको हीट करते तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब ट्रांसपेरेंट होने लगता है या फिर वो मेल्ट होने लगता है, तब उसको हटा के हम लोग उसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद देखोगे तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंट जो है कांच का एक छोटा सा मोती जैसा मोती दिखता है। फिर उसको जो भी आपको सैंपल दिया उसके अंदर डिप करेंगे, उसको डिप करने के बाद उसको फ्लेम के अंदर हीट कर दे। अभी यहाँ पे बच्चों जो कलर मैंने लिखा है वो अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते रहेंगे कि सर ये कलर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग अलग आते हैं, बट उतना डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। वो हम लोग बाद में ये सब के बारे में डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको फिलहाल ये कलर जरूर याद रखना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या कलर आता है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, वो सब हम लोग नहीं पढ़ रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने कलर्स बताया वो आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज यूजेस ऑफ बोरेक्स। ये तो बच्चों आपको याद ही करना है, बट फिर भी मैंने एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख दिया। एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, इन केस अगर सब जो उन्होंने कुछ आउट ऑफ द टॉपिक एक आध क्वेश्चन जो हर साल आता है ऐसा कभी तो वो आया तो आप लोग का उसमें भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो आई थिंक सबको याद ही है, इट इज यूज इन बोरेक्स बीड टेस्ट। ये तो हो गया टू डिटेक्ट द मेटल आयंस, ठीक है। दूसरा, इट इज ऑल्सो यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। अगर आपने मेरे हाइड्रोजन के लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको बताया था हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट्स बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं, तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए भी आप यूज कर सकते हो। क्यों? बिकॉज जब वो बोरेक्स के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम जो होता है +2 वाला वो सोडियम को एक्सचेंज करके Ca(B4O7) बना देगा। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या था? यही था। तो इसके अंदर से जो दो सोडियम है, कैल्शियम का वैलेंसी +2 होता है, तो दो सोडियम मतलब +2 हो गया, दोनों सोडियम को हटा के B4O7 ये देखो साथ में ज्वाइन हो गया, ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जैसे ऐसे मैग्नीशियम के केस में भी क्या होगा, Mg(B4O7), तो इट कैन बी यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। थर्ड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर वाला पार्ट हो गया। एंटीसेप्टिक के तौर पे तो आपने नाम सुना ही होगा, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है जैसे बोरिक एसिड है, ये जो एंटीसेप्टिक के तौर पे हम लोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पे जैसे फिनॉल है, लाइजोल आप यूज करते हो, वो सब। इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल ग्लास, ग्लास बनाने में भी यूज होता है। इट इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज एमसीक्यू में पूछ लिया तो डेफिनेटली बेटा मार्क्स जा सकता है। इट इज यूज एज अ फ्लक्स ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, मेटल के वेल्डिंग के अंदर ये फ्लक्स के तौर पे भी यूज होता है। और जो कैंडल्स होते हैं उनको स्टिफ बनाने के लिए, सॉफ्ट होते हैं बेटा, उनको स्टिफ बनाने के लिए भी उसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, बोरेक्स। तो स्टूडेंट्स अगर इन केस एक आध एक्स्ट्रा याद कर लिया, आप बोलो कि सर एनसीईआरटी में तो दो तीन ही दिए, आपने इतने सारे क्यों लिए, तो बेटा मैं लेक्चर्स जो बना रहा हूँ उसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। हाँ, एक दो इन्फॉर्मेशन अगर एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है, याद ही करने वाले नॉलेज ही बढ़ रहा है हर चीज बेटा, खाली एग्जाम के लिए नहीं, थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन केस समझो अगर उन्होंने आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन बना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन स्टिफनिंग ऑफ कैंडल्स, तो बेटा वहां पर कैसा होगा फिर जो पढ़ के गया है, क्योंकि ये एक आध क्वेश्चन तो जनरली वो दो क्वेश्चन तो नीट में भी और जेई में भी एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके चलो कि उसका आंसर जनरली 99% इवन टीचर्स भी क्या करेंगे फिर वो बुक में से देख के सर्च करके ही देना पड़ता है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो उनको ऐसा बनाना ही पड़ता है जो थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस मतलब आउट ऑफ द टॉपिक हो, जो जनरली पूछा न गया हो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी इन केस आ गए तो हमारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज हमने इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैं एक एक कंपाउंड का ही प्रिपरेशन समझाऊंगा, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, बिकॉज ये सब कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्रुप नंबर 13 की बात करो, बोरेक्स या ऑर्थोबोरिक एसिड या डायबोरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है स्टूडेंट्स, तो मैं इन सबका एक स्पेशल अलग अलग वीडियो बना के समझाने वाला हूँ, ताकि अगर आप इन केस समझो, अगर फ्यूचर में आप बोलोगे सर मुझे सिर्फ बोरेक्स का रिवीजन चाहिए, तो आप बोरेक्स का रिवीजन के लिए लेक्चर नंबर 3 आराम से देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप मैंने अच्छे से चीजों को समझाया। पी ब्लॉक चैप्टर जनरली तो मैं ऑफलाइन में बहुत कम ही लेता हूँ, बट अभी ऑनलाइन के अंदर मैं आपको वीडियोस के अंदर एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। लेता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा सा कैसा, आई अवॉइड दिस काइंड ऑफ चैप्टर बिकॉज आई डील विद जनरली फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, कि वो मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, बट इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4 विद कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड इन वेरी मच डिटेल, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के साथ। सो टिल देन थैंक यू।